मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि मतलब उनको कैसा रहता है, सबसे बेस्ट मैं दिखूं, बस मैं सुंदर होनी चाहिए, बाकी सब मतलब मेरा सब सब कुछ ही बेस्ट होना चाहिए, आई एम द बेस्ट, हर चीज़ में मैं परफेक्ट दिखनी चाहिए। बट डिवाइन फेमिनाइन का ऐसा नहीं रहता है। डिवाइन फेमिनाइन चाहती है कि सब मतलब सब सुंदर दिखे, सब अच्छे दिखे, और वो अपना कोई भी सीक्रेट नहीं रखती। मतलब उसको अगर कोई चीज़ पता चली है कि इसके में फ़ायदा है तो वो पूरी दुनिया से शेयर करती है। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि छुप छुप के मतलब वो नहीं चाहते कि भाई ये हमारा सीक्रेट है किसी को पता चले, या ब्यूटी सीक्रेट्स या जो कुछ भी हो। बहुत पहले से मतलब मैं देखती हूँ कि लड़कियों में ये रहता है कि कुछ हम करने वाले हैं तो वो भी नहीं किसी को बताना। तो मुझे बहुत सालों तक मुझे ब्यूटी का कुछ भी नॉलेज नहीं था, पार्लर में क्या होता है ये मुझे नहीं पता था, और मैं सोचती थी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं जाऊँ फेशियल करूँ ये करूँ वो करूँ। और एक बार मैंने करवाया भी था तो मुझे कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो उतना मसाज नहीं करते, उतना उसको वो डीपली उतरने भी नहीं देते स्किन में, और उनको फास्ट फास्ट कर देते हैं मसाज, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि और बहुत सारे क्रीम्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के, कुछ इफेक्टिव होते हैं कुछ नहीं होते हैं, कौन से यूज़ करने चाहिए, टैन रिमूवल वगैरह, पता नहीं ढेर सारी चीज़ें रहती है वो मुझे नहीं पता। तो मेरा ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं करती थी, इवन मेरे स्किन मतलब पता नहीं मेरा नेचर ऐसा क्यों है, फेयर एंड लवली भी मैं लगाती थी तो मेरी स्किन जल जाती थी, मतलब सेंसिटिव स्किन थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडियों में कोल्ड क्रीम लगाती थी मैं निविया का, और उसके बाद कुछ नहीं लगाती थी। तो जनरली मैं घर पे रहती थी तो कंघी भी मार लूँ तो बहुत बड़ी बात रहती थी, और ऐसा मेरा चलता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा एज हमारी जब होती रहती है ग्लो चला जाता है, डिवाइन फेमिनाइन पे जो एक इफेक्ट होता ही है जो शारीरिक मानसिक रूप से उनके ऊपर जो अटैक होते हैं, तो उनकी ब्यूटी जाती है बहुत डीपली चली जाती है और वो उसको रिकवर नहीं कर पाती बहुत टाइम तक। और तो मैंने देखा कि भाई समथिंग रॉन्ग मेरे साथ कुछ हो गया है, कि मेरी नेचुरल जो एक हेल्थ होता है वो चला गया है। और डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये भी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में कन्वर्ट होती है ऐसा कह सकते हैं। तो मैं एक शाकाहारी थी और मुझे वो फिर मेरी लाइफ में आई, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड, सोलमेट, बहुत अच्छी फ्रेंड, वो थी डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तुम जो हो विटामिन ई लो, मल्टी विटामिन लो और विटामिन सी भी लो, ओके। और उन्होंने आयरन, पॉलिक एसिड, क्या वो तो ड्रॉप होता है ना वो, उसका नाम क्या है, बड़ी सी बॉटल होती है, खून पिए जैसा लगता है, उसमें अल्कोहल भी होता है, थोड़ा सा वजन बढ़ता है यार, अल्कोहल से भूख बढ़ती है ना, लेकिन उसने स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ की स्किन क्यों अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो आयरन, पॉलिक एसिड, पता नहीं विटामिन B12 वो सब होता है ना वो बॉटल में, तो उससे उनकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। तो उन्होंने मेरे वो उस डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे, जिसकी वजह से मैंने ये चैनल खोला है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमको एनीमिया की तकलीफ है जो तुम्हारे स्किन में डलनेस है और बाल तुम्हारे झड़ते रहते हैं, मेमोरी लॉस है। तो उन्होंने मुझे वो सजेस्ट किया कि तुम वो बॉटल पिया करो, दो बॉटल पियो तो मैंने वो पिया और विटामिन ई भी लिया, विटामिन सी भी लिया, मल्टी विटामिन्स भी लिए, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करने लगी। उस दिन मुझे पता चला कि भाई ये अंदर से भी है और बाहर से भी, हम तो उसको फेशियल वगैरह करके थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, जैसे कि गर्दन काली हो जाती है, मेरी भी काली हो गई, और ये इसको ठीक किया जा सकता है, मुझे ये पता नहीं था, मुझे मेरे 35 साल जीवन के चले गए फिर भी मुझे पता नहीं था। और कोई मुझे वो सीक्रेट बताता नहीं था कि भाई अगर तुम ये कर लेती हो तो तुम्हारा जो है ब्यूटी वापस आ जाएगी तुम्हारी, तो वो मुझे नहीं पता था। और पार्लर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, तो मैं क्या करूं,
तो मैं, क्योंकि एक्चुअल पैसे होते थे लेकिन मेरे ऐसा होता था, मैं मन्नतें बहुत मांगती थी, तो कुछ भी हो जाए मन्नतें मांगती थी और पूरी करने में ही मेरे बहुत सारे पैसे जाते थे। और कभी यात्रा कर लेती थी, कभी कुछ। तो लड़कियां जो होती थी बाकी सारी सिर्फ अपनी ब्यूटी, कपड़े और बस टिप टॉप रहने में ही अपने पैसे खर्च करती थी। लेकिन मेरे शौक अलग थे, कभी मुझे क्रिस्टल पसंद थे तो मैं क्रिस्टल खरीदती थी। तो ये सब कुछ चीज़ें तो मेरे शौक ही अलग थे जिसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते थे। तो मैं किसी को बोल नहीं सकती कि वह, क्योंकि उस शौक से मैंने पैसे नहीं कमाए। जैसे मैंने कहा कि मैंने रेकी वगैरह सीखा लेकिन उससे मैंने पैसे नहीं कमाए। मैं किस मुंह से मांगू कि भाई मुझे ये सीखना है या करना है तो मुझे पैसे चाहिए। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का भी कोर्स मैंने किया था और उसमें भी और कुछ डिट पता नहीं है, उसका नाम भी अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी किया था। तो मुझे लगा यार मैंने रेकी वगैरह लाखों रुपए खर्च कर डाले और कुछ उसका फ़ायदा नहीं। तो मैंने नेकलेस बेच कर वो सीखा, जबकि साई बाबा ने मुझे 10 बार कहा मत करो मत करो। फिर मैंने चिट्ठी डाल के पूछा, फिर भी मत करो, 10 बार ना की चिट्ठियाँ निकली। पर मेरे अंदर इतना जुनून था कि मैंने वो नेकलेस बेच दिया और वो खरीद लिए कोर्स। और देखा तो सब फेल, लॉकडाउन हो गया, कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। डार्क नाइट ऑफ सोल में इतना गहरा डिप्रेशन मुझे आया कि मुझे वो सब कुछ कहाँ चला गया मुझे खबर ही नहीं हुई। तो म्यूज़िक है अभी मेरे पास मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, बहुत महंगा है वो, ख़रीदा है मैंने, इफ़ेक्टिव है। लेकिन तो कहने की बात है कि डिवाइन फेमिनाइन में वो बात कभी नहीं होती कि मैं खुद सजू धजू और बाकी लड़कियां जो है मेरे सामने काली चिपकी पता नहीं क्या क्या दिखे। ओके, तो वो कुछ भी उसको फॉर्मूला मिल जाता है ना, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो ब्यूटी में हो या स्पिरिचुअलिटी में हो। तो वो लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के कई बार जो है उनके पीछे पढ़ पढ़ के उनको बताती है कि आप ये ट्राई करो, आप ये ट्राई करो। तो लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो कभी भी ऐसे खुल के नहीं बताते। तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं भी अगर 20 मतलब 25 की है एटलीस्ट मेरी शादी के टाइम, तो मुझे अगर ये सब पता होता मैं तो कितनी सुंदर दिखती। बट मुझे पता ही नहीं था, ऐसा मुझे लगा। और तो एक तो होता है कि आप विटामिन्स लेते हो तब भी आपका चेहरा बहुत ग्लो करता है। लिम सी मिलता है विटामिन सी के लिए टैबलेट, विटामिन ई की टैबलेट तो सबको पता है जो ऐसे दिखती है ना ग्रीन वाली। और मल्टी विटामिन्स के भी मिलते हैं। और वो बॉटल जो मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको भी मेमोरी लॉस हो रहा है, खून की कमी है, बिल्कुल वीकनेस है, एनीमिया जैसे बाल झड़ते रहते हैं और पीरियड्स भी नहीं आ रहे बहुत टाइम पे। खून कमी होगा तो पीरियड्स भी कैसे आएंगे। तो 3-3 महीने 4-4 महीने बहुत लोगों को पीरियड्स नहीं आते, तो उनको भी वो लेना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। और उससे तो स्किन बहुत ग्लो करती है पता है, और टैबलेट से। और उसके ऊपर भी जो पिक्चर मैंने लगाई है इसका नाम है न्यूट्री ग्लो डी टैन स्क्रब। ये इतना अच्छा है मतलब मैं क्या बताऊं। और बिल्कुल मतलब इससे जो है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। पार्लर में क्या होता है कि मैं आपको बताऊं ये कब ट्राई करना चाहिए, स्क्रबर कब ट्राई करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। जब आपने बाल धोए हैं ना, जिस दिन आपने बाल धोए हैं, देखिए आपकी गर्दन, आपका चेहरा भीग जाता है ना, ज़्यादा देर पानी में भीगता है, तो पूरा मतलब ऑटोमेटिक जो पहले क्लींजनिंग करते हैं ना कुछ, तो फेसियल से पहले क्लींजनिंग क्रीम लगा के थोड़ा क्लींजनिंग करते, क्लीन करते, बाद में स्क्रब क्रीम लगाते हैं, तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बाल धोने के बाद, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट चेहरा हो जाता है, भीगता है ना, ज़्यादा देर भीगता है पानी में चेहरा, तो उसकी वजह से चेहरे में पूरे पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो आप उस टाइम पे ना अगर ये क्रीम लगाओ और स्क्रबर करो और थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, बाद में जब वो सूख जाए थोड़ा सा पानी और लो या थोड़ा सा क्रीम और लो और करो, एक आधा घंटा अगर उसको करते हो तो देखो इतनी क्लीन स्किन हो जाती है, गर्दन का कालापन चला जाता है, इवन आप हाथों पे भी ट्राई करते हो तो हाथ भी चमकने लगते हैं। तो ये
देखो मैंने हर बार देखा है, जो लड़कियों के जो होते हैं ना, हाथों का रंग जो होता है उनका, वही एक्चुअल रंग होता है चेहरे का। तो मेरे मामले में उल्टा है, मेरे हाथ गोरे दिखते हैं लेकिन मेरा चेहरा उतना गोरा नहीं दिखता, लाल पड़ जाता है मेरा चेहरा। तो उतना भी लाल नहीं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा है वो लाल होना, क्योंकि पित्त प्रकृति है ना मेरी, गर्मी की प्रकृति है, तो वो लाल होना वगैरह, भूख ज़्यादा लगना, नींद शांत ना आना, ये पित्त प्रकृति के लोगों के लक्षण होते हैं। तो आप उसको कीजिए आपका गर्दन का काला, वो फुल बॉडी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा मैंने आपको बताया, आप ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि पार्लर में मैंने देखा है कि फेशियल का उतना इफेक्ट नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं बट उतना इफेक्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि फेशियल किट की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप ये लाते हो, एक ही कर लो तो काफ़ी है, एक ही कर लो तो काफ़ी है, और मॉइस्चराइजिंग के लिए कच्चा दूध लगा लो चेहरे का। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ, ये मैं मालूम होने के बाद भी कब करती हूँ, जब मैं किसी बाहर दूसरी जगह जाने वाली होती हूँ तब मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, शादी वादी हो तो 2-3 बार ट्राई कर लेती हूँ। अभी मैंने सोचा है कि मैं 2-3 बार करूँगी ट्राई, ताकि शादी में थोड़ी ठीक लगे मेरी स्किन, हाथों को भी करूँगी। तो आप भी करो, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका। अगर आपको भी पता नहीं है ब्यूटी टिप्स, तो मुझे भी नहीं पता था इतने दिन, मुझे अगर पहले पता तो यार मैं कितनी सुंदर दिखती। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको भी पता नहीं है तो आप ट्राई करो। मैंने ना इसमें एक देखा है, लेकिन बहुत डेंजरस है, कोई भी ट्राई मत करो। ऐसा मतलब जैसे पेन होता है ना, जैसे लेजर ट्रीटमेंट जैसा कुछ होके, उसको मतलब मेरे चेहरे पे इतने ज़्यादा तिल है, गर्दन पे, चेहरे पे, हाथों पे, तो चेहरे के तिल मैंने देखा कि बचपन में अगर मैं उसको निकालती थी, मतलब खाने का चूना और हमारा डिटर्जेंट होता है उसको मिक्स करके, ऐसे टिप, मराठी में ठिपके ठिपके बोलते हैं, ऐसे बिंदी जैसे बारीक बारीक लगाती थी, तो वो स्किन जल जाती थी और वहाँ पे नई स्किन आती थी, वो फ्रेश स्किन आती थी, दाग भी नहीं रहता था, और 3 साल बाद वही तिल वापस आ जाते थे, 3 साल बाद। ओके, कुछ तिल, एक तिल है मेरे गाल पर, वो कितना भी निकालो 8 दिन में ही वापस आ जाता है। तो लेकिन उस टाइम पे मैंने 2-3 बार वो ट्राई किया और मुझे इतने सुंदर रिजल्ट मिले, लेकिन मैंने देखा उसके बाद आपकी स्किन जो होती है, जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपकी स्किन मोटी होने लगती है, और मोटी होने के बाद जो है उसको कितना भी आप जलाओ वो जलता नहीं है, मतलब जो खाने का चूना और डिटर्जेंट होता है उसका कितना भी उसके ऊपर लेयर लगाओ वो नहीं जाता है। पहले क्या होता था, स्किन इतनी बचपन में जो है नाजुक सी स्किन होती थी, लिटरली वो जल जाती थी स्किन, मतलब उसकी जो स्किन है निकल जाती थी तुरंत, इतना वो जल जाता था। मेरे तो आँख में भी कुछ छोटा सा बिल्कुल तिल जैसा ही मस्सा था, तिल के साइज का ही मस्सा था। तो मैंने वो, जरा आप ऐसा मत करो, मैंने वो ट्राई किया और वो निकल तो गया, लेकिन मेरी अभी भी आंखों के अंदर की जो क्या कहते हैं रक्त वाहिनियां ना, का हमेशा के लिए लाल पड़ गई वो कुछ वाली, जैसे मतलब गलत तरीके से मैंने किया बट वो गंदा दिख रहा था, इसलिए मैंने आंखों के अंदर से उसको निकाल डाला, मतलब जहाँ काजल लगाते हैं ना वहां पे था वो। तो वो तो निकल गया, अच्छा हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर लिया उस, बहुत तकलीफ हुई मुझे उससे। तो आप ऐसा कुछ घटिया काम मत करो, इससे अच्छा है डॉक्टर के पास जाके उसको ठुक करो, लेजर ट्रीटमेंट ले लो। और मैंने एक खरीदा है, उसको क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मतलब पेन जैसा है। ओके, सामने वाला उसके निडल है सामने, तो क्या करना है कि जस्ट 1 सेकंड के लिए दबाया, छोड़ा, मतलब बिल्कुल, तो उससे करंट आता है, और जहां भी आपका तिल हो वहां 1 या 2 बार उसको करंट देते हो आप, तो वो निकल जाता है। तो एक्चुअली मैं दर्द से नहीं डरती, मतलब मुझे दर्द से नहीं तकलीफ होती, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मैं डर जाती हूँ। एक मैंने जस्ट उसको एक ही बार ट्राई किया, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर करंट है ना, तो फड़ 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 आवाज़ आती है उसके अंदर, तो वो आवाज़ से मैं बहुत डरती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं एक बार जाऊंगी, अपने चेहरे को लेजर ट्रीटमेंट करवाऊंगी,
और मेरे चेहरे पे जितनी भी तिल है मैं उसको निकलवाऊंगी। तो सचमुच अगर आपके चेहरे पर ऐसे तिल वगैरह है और बेकार में आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है या गंदे दिख रहे हैं, तो आप उसको लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो वो मंगवा लो आप। उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, तिल कैसे कैसे निकाले लेज़र ट्रीटमेंट से, ऐसा आप गूगल पे डालोगे या यूट्यूब पे डालोगे ना, तो वो दिखेगा। ऐसे निडल रहती है उसके सामने, उसको जस्ट 1 सेकंड ही दबाना है, दबा के छोड़ देना है, वरना वो बहुत करंट मारेगा। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है और बहुत अच्छा है वो। अब तक मेरे सारे तिल निकल गए होते, लेकिन मेरे हार्ट में उतनी, मतलब क्या मैं बहुत डरती हूँ उस चीज़ से, आई डोंट नो। वैसे मुझे, मतलब जैसे मैंने उसको किया तो मेरे धड़क धड़ मतलब मैं इतना डर गई, मेरा हार्ट चक्र एकदम ब्लॉक जैसा हो गया। तो मैंने उसको फिर हाथ ही नहीं लगाया। बट अब मैं क्या करूँगी उसका पता नहीं, वो तो पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा है कि मैं जाने तो इससे अच्छा है डॉक्टर के पास कभी न कभी जाऊँगी, एनेस्थीसिया देते हैं वो, और उसके बाद वो सारे तिल मैं निकलवाऊँगी और मेरा चेहरा जो है बिना तिल के दिखेगा। क्योंकि क्या मेरा चेहरा बहुत गंदा दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर इतने तिल हैं, स्पेशली मेरी लेफ्ट साइड को तो बहुत ही ज़्यादा है। देखो तिल एक इंडिकेशन भी होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरी लेफ्ट साइड की जो है रक्त वाहिनी दब गई है पूरी तरह से, तो बराबर मैं देखती हूँ कि वो इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे तिल कि आपकी जो रक्त वाहिनी है वो दबी हुई है। क्योंकि मेरे जो गुरु है ज्योतिष के, उनके वीडियो में मैंने सुना था कि जहाँ कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो वहाँ पे तिल आ जाता है, तो ब्लॉकेज को ही बताता है तिल। देखिए जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज को ही बता रहा हो तिल, तिल बहुत सारे इंडिकेशन करता है। कुछ मेलानिन का भी होता है, वो फैलते हैं नहीं फैलते ऐसा कुछ, उसकी वजह से जो है तिल आ जाते हैं। और हमारा शायद मेलानिन ही कुछ ऐसा है कि मेरी दादी को, मेरे मामा के बच्चों में भी बहुत लोगों को तिल आते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तिल है हमारे फैमिली में, मामा के बच्चों में या सब में। तो मैं उसको समझ नहीं पाती, मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का, लेकिन मैं उसको लेज़र ट्रीटमेंट से निकलवाऊंगी। तो आप खुद भी घर पे ले, अगर अपने हिम्मत है, मतलब आपको पैसे नहीं है लेकिन आपके अंदर हिम्मत है, तो 1,000 रुपये में ही मिलता है वो लेज़र ट्रीटमेंट का कुछ। लेकिन यार बहुत संभल के, आँखों में बिखों में कहीं जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको ट्रिक करके छोड़ देना, स्किन जल जाएगी आपकी और वो तिल निकल जाएंगे। तो मैंने लाया तो था लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं मैं उसको यूज़ करूँ। किसी और को देने से भी डर लगता है, कहाँ का कहाँ लगा दिया बेकार में, सारी स्किन करंट मार के जला दिया तो क्या करें। तो स्किन को किस तरह ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। आप स्क्रबर करो, उसी में स्क्रबर है, मसाजेस, सब कुछ है। ओके, कोई आपको पांच पांच फेशियल किट लाने की ज़रूरत नहीं है या बाहर जाके फेशियल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कैसे क्या होते हैं। देखो यार, जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है ना, देखो मेहनत करने वालों की स्किन कितनी टाइट रहती है, तो उन्होंने थोड़ी स्पेशल फेशियल किया ये किया। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं फेशियल में, तो वो आप यूट्यूब पे देख लो। ज़रूरी नहीं है कि इतनी हीरोइन तो इतना फेशियल कराती है फिर भी उनकी स्किन लटकी हुई रहती है, तो ज़्यादा लॉजिकल मत होना। तो ये क्रीम लगा के मसाज करो, स्किन टाइट हो जाएगी आपकी। तो फुल बॉडी भी कर सकते हैं भाई, कोई स्पेशल ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं फुल बॉडी को। फुल बॉडी पॉलिशनिंग किट, पता नहीं क्या क्या होता है, तो मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। लेकिन जब हमारी गर्दन की स्किन काली पड़ती है तो बहुत बुरा लगता है, तो इससे चला जाता है। मुझे तो, मैं तो होपलेस हो गई थी कि शायद ये जाएगा भी नहीं, बट सचमुच इससे सब चला गया और बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है फिर। नहीं तो हमें, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो मैंने स्किन के टिप्स यूज़ की है जो मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन खुद मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि मुझे करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन ये करने के बाद फ्रेश लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बालों में मेहंदी लगाई है, बाल भी अच्छे हो जाएंगे। मैंने आज ही लगाया है क्योंकि शादी है हमारे यहाँ पे। तो जिनके भी बहुत ज़्यादा पतले बाल है और कचरा हो गए बाल, एकदम डैमेज हो गए, तो मेहंदी लगाने से उसके ऊपर लेयर आ जाती है,
जिससे डायरेक्ट बाल जो है डैमेज नहीं होते। तो मेहंदी में नींबू डालिए, चाय का पानी डालिए उबाल कर। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप सब ब्यूटीफुल दिखना, मैं भी दिखूंगी, आप भी दिखना। ओके, तो डिवाइन फेमिनिन सबको ब्यूटीफुल देखना चाहती है। ओके।